हम सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम से परफेक्ट होंगे। तो गाइस अभी ना कुछ दिनों से मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, मौसम में काफी ठंडक भी है और अभी 2-3 दिन पहले हल्की हल्की बारिश भी हो गई थी, इसकी वजह से मेरे सभी परिंदे काफी कम्फर्ट फील कर रहे हैं और बहुत खुश भी है और उन्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो गाइस आज ना मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो मिनी जू है यहाँ पर एक खूबसूरत सा जोड़ा रहता है जिसका नाम है राजा और रानी। ये व्हाइट सिराजी का जोड़ा है। तो गाइस ये काफी टाइम से हमारे मिनी जू में है लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे मिनी जू में 2 बच्चे निकाले। अब 2 बच्चों में से गाइस एक बच्चा तो कर गया तैर, वो ऐसे कि उसको ना फॉक्स इतनी ज्यादा हो गई थी उसकी बॉडी पर, उसकी चोंच के पास, उसकी आईज वगैरह पे और यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी पे, और ये लगा लीजिए गाइस उसके जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पर भी उसको पॉक्स इतनी ज्यादा हो गए जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैंने उसकी हालत भी देखी थी, कोशिश भी की थी कि ठीक भी हो जाए और थोड़ा मैंने उसका ट्रीटमेंट वगैरह भी किया लेकिन गाइस उसको हम बचा नहीं पाए और वो डेथ कर गया। और अभी कुछ दिन पहले की बात ही है जब वो डेथ कर गया, तो उसमें से गाइस एक बच्चा यानी कि उसका जो भाई है वो अभी हमारे पास है, पहले से काफी बेहतर भी है। तो आज चलिए मैं आप लोगों को उसे दिखा देती हूँ लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब मैं उस बच्चे को लेकर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए यही वो बच्चा है जिसके बारे में आप लोगों से बात कर रही थी। आप लोग देख ही लीजिए कितना खूबसूरत ये बच्चा है, क्योंकि गाइस हमारा जो मेल है ना यानी कि जिसका ये बच्चा है वो भी इसी कलर में है लेकिन फर्क बस इतना है कि ये जो यहाँ पर इसकी ब्लैक स्पॉट है इसकी बॉडी के ऊपर, ये इसके परों के ऊपर है लेकिन उसकी जो है वो नेक के ऊपर है, तो यहाँ थोड़ा सा ये फर्क है। और बाकी इसकी टेल आप देख ही सकते हैं, ये देखिए बस थोड़ा थोड़ा ही व्हाइट कलर है, बाकी देखिए पूरी इसकी जो टेल है वो ब्लैक कलर की है। और साथ में पंजे देख सकते हैं, इसके पंजे कितने ज़्यादा खूबसूरत है, पंजों पर भी छोटे छोटे पर हैं जैसे कि मोस्टली जो सिराजी होते हैं उनके पंजों पर होते हैं इसी तरह से हैं देखिए। और आंखें देखिए इसकी। तो गाइस वैसे तो सभी कुछ ठीक है और बच्चा भी देखिए कितना प्यारा है, आप लोग देख ही रहे होंगे लेकिन बस वही प्रॉब्लम जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए पॉक्स कितनी ज़्यादा इसके, देखिए इसका फेस जो है पूरा देखिए खराब हो रखा है, इसके आईज के पास देखिए यहाँ पर और साथ में इसके हेड पर भी हो रहे हैं ये छोटे छोटे, और इधर देखिए इधर सबसे ज़्यादा हो रहे हैं ये, इन्हीं की वजह से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बहुत बार फीड भी नहीं ले पाते हैं। और अभी देखिए पूरी जो इसकी चोंच है ऊपर से बिल्कुल ख़राब हो रखी है लेकिन पहले से फिर भी बहुत ठीक है, ये सूख भी गए हैं वरना बीच में तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, एकदम से बढ़ते जा रहे थे ये, लेकिन अभी ये थोड़ा मतलब अभी तो इतना सूख गया है तो धीरे धीरे और भी ठीक हो ही जाएगा। और बाकी देख लीजिए, तो बस खैर यही दुआ करूँगी कि जल्दी से ये ठीक हो जाएगा इस, और आप लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा ये प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। चलिए इसको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और मैं इसको रिलीज कर देती हूँ। मेरा आज का वीडियो और साथ ही में मैंने आपको ब्लैक स्पॉट बेबी सिराजी से मिलाया, कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिलीज और परिंदों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।